सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। पिछली क्लास में हमने संगीत के चित्रपट संगीत की विशेषताएं पढ़ी थी, उनकी क्वालिटीज़ जानी थी और मैंने आपको पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश की थी। मुझे उम्मीद है आपको समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। मेक श्योर बच्चों कि आप उन पॉइंट्स को ज़रूर राइट डाउन करते हैं, क्योंकि आप उनको लिखेंगे तो आपकी मेमोरी में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। आपको समझने में भी आसानी होगी और आपको लिखने की भी प्रैक्टिस होगी। खैर, आज हम एक नए क्लास के साथ मिले हैं और आज का हमारा टॉपिक नया है। तो हमने भाव संगीत के प्रकार में पहला प्रकार चित्रपट संगीत पढ़ा था और चित्रपट संगीत की विशेषताएँ पढ़ी थी। सेकेंड प्रकार जो हमारा है, सेकेंड पार्ट जो है, वो है लोक संगीत, ठीक है। लोकगीत या लोक संगीत जो भी कहें। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकगीत। आइए देखते हैं लोकगीत क्या है। यह ग्रामीणों का गीत है। इन गीतों में सैकड़ों वर्षों से चले आए रीति रिवाजों की झांकियां मिलती हैं, ठीक है। तो आपने गांव वगैरह में या फिर आप अपने दादा के गांव, नानी के गांव, जहां भी आप जाते होंगे, आपने देखा होगा कि वहां की शादियों में लोकगीत चलते हैं, या फिर कोई ऐसी परंपरागत चीज़ होती है जैसे मुंडन हो गया, शादी हो गई, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें लोकगीत गाए जाते हैं। आपको याद होगा कि हम एक दो आइटम लोकगीत के अपने स्कूल में भी परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। जब भी एनुअल डे आता था तो आपको याद होगा कि एक दो प्रोग्राम ज़रूर ही लोकगीत का होता था, ठीक है। तो वो लोकगीत जो है ग्रामीणों का गीत है। बेसिकली वो उसका जो उद्गम हुआ है, जो उसके ओरिजिन है, जहाँ से उसका जन्म हुआ, वो बेसिकली गांव ही है, गांव का, ग्रामीणों का वो गीत है। इसीलिए कहा जाता है कि यह गीत जो है ग्रामीणों का गीत है, ठीक है। और सदियों से ये परंपरा चलती आ रही है। उस गीतों के द्वारा हमारी रीति रिवाजें जो हैं उनका पता चलता है, उनकी झलकियाँ मिलती है। इसके अंतर्गत शादी के गीत, विभिन्न संस्कारों पर गाए जाने वाले गीत, चैती, कजरी, लोरी आदि लोकगीत में आते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि शादी या फिर मुंडन या फिर जो भी किसी भी तरह का कोई संस्कार पे गाए जाने वाले गीत जो होते हैं, किसी भी पूजा वगैरह में भी जो गांव वगैरह में गीत गाए जाते हैं, वो हो गए लोकगीत में। फिर चैती हो गई, कजरी हो गई, लोरी हो गई आदि, ये सारे जो हैं वो लोकगीत के प्रकार हैं, ठीक है। इन गीतों को सुनते ही साधारण व्यक्ति ताली देने लगते हैं, इसलिए लोकगीतों के साथ ढोलक बजाई जाती है। ये गीत सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है, कर्णप्रिय लगता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हो, है ना। आपको अपने पूर्वजों की चीज़ें याद रहेंगी, आपको आपको आपकी बेसिक चीज़ का पता चलता है, आपको अच्छा लगता है। और ये इतना इजी होता है, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि क्लासिकल बेस सॉन्ग है, है ना। तो ये इतना आसान होता है कि इस पे लोग नॉर्मली, लोग जो गाने बजाने के शौकीन होते हैं, वो ताली ढोलक बजाने लगते हैं। तो लोकगीत के साथ हमेशा ढोलक बजाई जाती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।